अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हम बच्चों को कार्टून दिखा सकते हैं फिर बच्चे कार्टून देखने के बाद सेफ़ हैं? सेफ़ का मतलब बच्चे कार्टून देखने बाद उनका नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, आपके साथ चेंज हो जाता है, आपके बड़े भाई बच्चों के बड़े भाई बहन हैं उनके साथ चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर फाइट करने लग जाते हैं। छोटे से बच्चे, 2 साल का बच्चा है, वो भी कार्टून देखने बाद उसको फ़ाइट करना आ जाएगा, बड़े बच्चों से लड़ना आ जाता है, ज़बान चलानी आ जाती है, हर चीज़ आर्गुमेंट करना आ जाता है बच्चों को कार्टून देखने की वजह से ही। क्या हम लोग जो कार्टून बच्चों को दिखा रहे हैं वो कार्टून बच्चों के लायक है? क्योंकि पहले क्या था, पहले कैसे कार्टून दिखाते थे कि गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड के कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, और अभी तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कल्चर वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, कार्टून्स में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि मेंस टू मेंस सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को कार्टून के ज़रिए। तो क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है? ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है बच्चों के लिए। आगे चल के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, उससे हमें प्रॉब्लम होगी, हमारा दीन खतरे में आ जाएगा। अगर बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो बच्चे कौन सा कार्टून देख रहे हैं ये आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना है बच्चों के ऊपर कि बच्चे वही कार्टून देखें जो उनके लिए सेफ़ हो। जैसे कि कुछ कार्टून्स के नाम है, जैसे अब्दुल बारी हो गया, गुलाम रसूल हो गए, ये 2-3 कार्टून्स हैं ऐसे, उसमें क्या है, छोटी छोटी सी दुआएँ याद कराते, सोने की, उठने की, बैठने की, और बच्चों को अदब सिखाते। अगर इस तरीके के बच्चे कार्टून देखते हैं तो बच्चों के लिए सेफ़ है, वो दीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं अल्लाह से, और थोड़ा सा कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह बच्चे उससे। आप जो है ना, पहले देखिए कि कार्टून बच्चों के लिए सेफ़ है कि नहीं है, वो कार्टून दीजिए जिसके, जो कार्टून बच्चों के लिए सेफ़ हो। क्योंकि अभी इसके पहले अभी 10 दिन हो गए, एक मामला आया था सामने ऐसे ही नेट पे, मैंने सर्च करते हुए देखा कि गर्ल्स कंट्री वालों ने नेटफ्लिक्स को वार्निंग दी, प्रमोट कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी को, प्रमोट कर रहे हैं उसको हटाइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसी एनिमेशन मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ को उन लोगों ने डाला है बच्चों के लिए, जो बच्चों ही के पर्पज़ से बनाई गई है। बट उसमें क्या है ना कि ऐसे सीन दिखाए गए कि एक लड़की दूसरी लड़की को किस करते हुए दिखाया गया, उससे क्या है, बच्चों के माइंड में कैसे अजीब अजीब सी खुराफाती आइडियाज़ आएंगे, कैसे कैसे बच्चे वो मिसगाइड हो जाएंगे बच्चे। तो आपको खुद ध्यान रखना है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, बच्चों को हर टाइम आपको अपने बच्चों पे नज़र रखनी है कि ताकि आपके बच्चे दीन के साथ कनेक्ट रहे। प्लीज़ मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के वास्ते बच्चों पे ध्यान दीजिए, और वो क्या नेट पे सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उन पे नज़र रखिए। या तो फिर अगर फ़ोन या फिर आप लैपटॉप कुछ भी बच्चों को दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो अपने सामने यूज़ कराइए ताकि बच्चे उसका मिसयूज़ ना कर सके प्लीज़, क्योंकि यही बच्चे आपका फ्यूचर हैं, यही बच्चे हमारे लिए सवाब जारिया बनेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ। तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए। और मैंने जो कार्टून्स के नाम आपको सजेस्ट किए हैं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ और ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर है। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।